हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेन द्विवेदी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ बैरोस ग्रुप। मेरा 10 सालों का बिजनेस एक्सपीरियंस है और कई सालों का जॉब एक्सपीरियंस है। बैरोस ग्रुप करंटली कई कंपनियां ओन करती है। इस वीडियो में मैं आपको मल्टी कंपनियां ओन करने का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी मेरा बचपन का सपना नहीं था। स्पेशली जब मैं 5th क्लास में था, मेरी टीचर ने पहली बार मुझसे पूछा कि बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। ऑनेस्टली मुझे ये तो याद नहीं है उस वक्त कि मैंने रैंडमली कौन से प्रोफेशन का नाम लिया होगा, पर इतना श्योर हूँ कि मेरा जवाब बिजनेसमैन तो नहीं था। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उस इमैच्योर पुष्पेंद्र को ना इस प्रोफेशन के बारे में पता था, ना ही इसकी जिम्मेदारियाँ। मैं यूपी के एक छोटे से शहर सुल्तानपुर में पैदा हुआ हूँ और मेरे पापा मिलिट्री में थे, तो इस कारण से हमारे कई पापा के ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो स्टडी हमारी स्टेबल नहीं। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आप सब बहुत लोग करेक्ट भी कर रहे होंगे इससे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में लगभग पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। आफ्टर माई फादर प्री मेच्योर रिटायरमेंट, मेरे पापा ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था मिलिट्री से, उन्होंने 1999 में रिटायरमेंट ले लिया था। देन आफ्टर मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही, तो मैंने 2004 में शुरुआत की अपने नाम की एक छोटी सी चाय की दुकान के साथ, ताकि मैं अपनी एजुकेशन और फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं था कि फैमिली में मेरे सपोर्ट के बिना नहीं चलती, लेकिन हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा न होने के कारण मैं ये सब चीज़ों को मैनेज करता था। आज की डेट में MBA चाय वाला जैसे बिजनेसेस को इतनी हाइप और अटेंशन मिलती है, उस समय चाय की दुकान को एकदम लोअर क्लास का बिजनेस समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि बहुत छोटे लोग ही चाय की दुकान कर रहे हैं, क्योंकि उस समय ना इतना इंटरनेट था, ना इतना बिजनेस मॉड्यूल्स थे कि आप पेपर कप चेंज कर देते हैं, या उसमें आप YouTube पे अपनी वीडियो बना देते हैं, या आप मोटिवेशन दे देते हैं, तो चाय की शॉप आपकी ज़्यादा चल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे उस अप्रोच को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और आने वाले 3 महीनों में ही मुझे अपनी चाय की शॉप बंद करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ कुछ लोकेलिटी और कुछ सामाजिक दबाव। परिवार से दबाव मिलता था कि 4 लोग क्या कहेंगे, हालांकि मैं आज तक नहीं समझ पाया वो 4 लोग कौन है। इस चीज़ में मैं MBA चाय वालों को फिर से कनेक्ट करना चाहूँगा। शुरुआती दौर में उसने भी इसी प्रकार के हर्डल, सामाजिक दबाव को पार करते हुए कितना बड़ा वेंचर खड़ा किया, जो सराहनीय है। जैसा कि कहा जाता है और मैंने सुना भी है, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी इट विल। 2006 में मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मुझे सेकंड वेंचर करने के लिए फिर से मजबूर किया, या आप कह सकते हैं कि अपने समय को यूटिलाइज करने के लिए एक नया वेंचर शुरू किया। इस बार आप सही गेस कर रहे हैं, चाय से पान शॉप पे आया मैं। पान शॉप क्यों? क्योंकि सबसे कम लागत में उस समय का बिजनेस पान या चाय की दुकान ही होती थी। मैंने पान की शॉप खोली और उस समय मैंने अपनी बिजनेस को इस तरीके से रन किया कि 2006 में डेली का 1500 रेवेन्यू एक बड़ी चीज़ होती थी। मैं अपनी एजुकेशन और फैमिली को भी सपोर्ट करता था, जो कि उस समय नेसेसरी था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी कैरियर या में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको एजुकेशन ज़रूरी है, तो एजुकेशन के सिलसिले में मैं लखनऊ आ गया और यहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा कम्प्लीट किया। डिप्लोमा कम्प्लीट करते ही विथ गॉड ग्रेस मेरा प्लेसमेंट टाटा मोटर्स में हो गया, और टाटा मोटर्स में मैंने कई साल दिए। इन कई सालों में मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में था, वहाँ सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, और वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स और इनके माध्यम से कामों को सरल किया जाता था। टाटा मोटर चेंज हो रहा था, उसमें नए नए इनपुट्स, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हो रहे थे, तो इसी बीच में मुझे मेरे सीनियर के द्वारा एक प्रोजेक्ट मिला। मैंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने में मुझे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के थ्रू एक अच्छा अमाउंट मिला,
जो कि मेरी सैलरी से, उस समय की सैलरी से आसपास था, जो मेरी सालाना सैलरी थी उसके आसपास था। एप्रिसिएशन अमाउंट मिलने के बाद मेरे दिमाग में फिर से मेरा पुराना बिजनेस मैन वाला कीड़ा जाग गया। अगर मैंने इतना अच्छा काम किया कि मेरी सैलरी के आसपास अप्रेजल मिल रहा है या अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वाई नॉट वो काम मैं इनको आउटसोर्स करूँ। यहाँ से मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत की और मैं आज तक नहीं रुका।